स्टूडेंट्स प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे हम लोग आज इंट्रोडक्शन टू वेलोसिटी से रिलेटेड, जिसमें हमारे पास स्टेटमेंट ये है कि हमारे पास एक साइक्लिस्ट है जो कि कंप्लीट कर रहा है हाफ राउंड ऑफ अ सर्कुलर ट्रैक ऑफ रेडियस 318 मीटर्स इन 1.5 मिनट्स, फाइंड इट्स स्पीड एंड वेलोसिटी। अब इस स्टेटमेंट से आपने सबसे पहले डाटा कलेक्ट करना है, और डाटा जो है वो क्या होता है, हमारे पास जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन जो कि हमें स्टेटमेंट से मिल जाती है, ठीक है। अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स के हमारे पास इसमें सबसे पहले जो बात की गई है वो एक साइक्लिस्ट की गई है। अब साइक्लिस्ट को ले आते हैं हम लोग अपने इधर ड्राइंग में कि हमारे पास एक साइक्लिस्ट है, और साइक्लिस्ट जो है वो एक सर्कुलर पाथ फॉलो कर रहा है, और उसका जो सर्कुलर पाथ है वो कितना है, वो सेमी सर्कल है, यानी कि सर्कल का आधा हिस्सा, यानी कि यहाँ आप देख सकते हैं कि मैंने एक सर्कल का जो ये, अगर इसे मैं इसको पूरा कंप्लीट कर लूँ तो ये मेरे पास एक सर्कल बन जाएगा, ठीक है। लेकिन सर्कल का आधा हिस्सा जो है उस तरह का उसने एक ट्रैक फॉलो किया, जिसमें से आप कह सकते हैं कोई हिल टाइप है हमारे पास, ठीक। और फिर उसके बाद उसकी जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो ये, वो इस पॉइंट पर जाके वो जो है वो रीच कर गया, ठीक हो गया। अब यहाँ अगर हम देखें स्टूडेंट्स, अगर मैं इसको नाम दे देती हूँ, ये मेरे पास ए है और ये मेरे पास बी है, ठीक। ए और बी जो है ये हमारे पास उसके इनिशियल और फाइनल पॉइंट है, ठीक। और ये इसका हाफ राउंड ट्रिप ऑफ अ सर्कुलर पाथ हो गया। अब उसके बाद जो उसने रेडियस बताया है उसका, वो हमारे पास कितने हैं, यानी कि आर इज इक्वल टू 318 मीटर्स, ठीक है, 318 मीटर्स है। और रेडियस क्या होता है स्टूडेंट्स, हमारे पास जो सर्कल होता है उसका आधा हिस्सा जो है वो हमारे पास क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। यानी कि यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, यानी कि सेंटर अगर मैं कहती हूँ ओ पॉइंट है, ओ से बी तक और ओ से ए तक का जो डिस्टेंस होगा वो हमारे पास क्या कहलाएगा, रेडियस कहलाएगा, ठीक। और क्योंकि ये मीटर्स में दिया है और मीटर हमारे पास ऐसा यूनिट है लेंथ का, तो इस वजह से हम इसकी कन्वर्जन नहीं करेंगे, हमने अपने तमाम इन्फॉर्मेशन जो है वो ऐसा यूनिट में रखनी है। अब टाइम को अगर हम देखें तो जितना टाइम उसने ए से बी तक पहुंचने में लगाया स्टूडेंट्स, वो हमारे पास गिवन है 1.5 मिनट्स, और मिनट्स जो है वो स्टूडेंट्स हमारे पास ऐसा यूनिट नहीं है, इस वजह से हम उसकी कन्वर्जन करेंगे सेकंड्स में। और हम ये जानते हैं कि हमारे पास जो एक मिनट होता है उसमें हमारे पास कितने होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं स्टूडेंट्स, हमारे पास वन मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं, 60 सेकंड्स होते हैं। तो इस वजह से हम क्या करेंगे कि हम इसको कन्वर्ट करेंगे, जब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 60 करते हैं तो हमारे पास कितना आता है स्टूडेंट्स, हमारे पास 90 आता है, 90 सेकंड्स जो हैं वो हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। अब ये हमने टाइम को कन्वर्ट कर लिया स्टूडेंट्स, अब हमने इसकी क्या फाइंड आउट करनी है, स्पीड और वेलोसिटी। अब स्पीड और वेलोसिटी में जो डिफरेंस है स्टूडेंट्स, अगर हम वो देखें, अगर मैं यहाँ इसके लिए नोटेशन जो यूज़ कर लेती हूँ, वो वी जो है वो हमें स्पीड को शो कर देगा, ठीक है। और वी जो वैक्टर होगा, यानी कि वी के ऊपर मैं अगर ये वाला साइन डाल देती हूँ, तो ये हमारे पास वेलोसिटी हो जाएगा, क्योंकि हम जानते हैं कि वेलोसिटी जो है स्टूडेंट्स हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है, और स्पीड जो है हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब स्पीड जो है स्टूडेंट्स, हमने जिस तरह से इसका फॉर्मूला पढ़ रखा है, वो हमारे पास क्या होता है, डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है। डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम जो है वो हमारे पास स्पीड होता है, और वेलोसिटी जो है वो हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम, ठीक है, डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम। अब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट में क्या फ़र्क है, और इनकी इनकी मतलब इसको हम किस तरह से एक्सप्लेन कर सकते हैं, तो स्टूडेंट्स अगर हम इसी एग्जांपल से एक्सप्लेन करना चाहें, तो ए से बी तक जो वो पाथ फॉलो कर रहा है, यानी कि ये वाला जो ट्रैक उसने फॉलो किया है, अगर मैं इसी को यहाँ साइकिल का ये वाली पोजीशन भी आपको दिखा दूँ, तो आप देख सकते हैं कि यहाँ साइकिल जो है वो ये वाला पाथ अगर फॉलो करती है ए से बी तक पहुँचने में, तो वो उसका डिस्टेंस होगा, ठीक है। लेकिन अगर हम शॉर्टेस्ट डिस्टेंस देखें ए से बी तक, तो वो ये वाला डिस्टेंस है जो कि स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस कहलाता है। और स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं, स्ट्रेट लाइन डिस्टेंस जिसे हम कहते हैं डायरेक्टेड डिस्टेंस, वो हमारे पास क्या कहलाता है स्टूडेंट्स, वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट होता है। और जो हमारे पास दूसरा डिस्टेंस होता है, यानी कि जिसमें आप कोई पाथ फॉलो कर रहे हैं, तो उस केस में हमारे पास वो क्या कहलाता है, वो हमारे पास डिस्टेंस होता है। लेकिन जो डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है वो हमारे पास डिस्प्लेसमेंट कहलाता है, और उसकी कोई ना कोई डायरेक्शन होगी जो कि एक पर्टिकुलर मतलब कि एक पर्टिकुलर एक्सिस में आप कह सकते हैं, या फिर एक पर्टिकुलर पाथ जो है वो फॉलो कर रही होगी, स्ट्रेट लाइन जिसे हम कहते हैं, ठीक। अच्छा, अब अगर हम देखें कि हमारे पास ये जो यानी कि ये हमारे पास एक सर्कल बना रहा था, और सर्कल का अगर हम मतलब कि सर्कमफ्रेंस देखें, तो हमारे पास सर्कमफ्रेंस का जो फॉर्मूला आता है वो हमारे पास क्या होता है, 2πr, ठीक है। 2πr हमारे पास सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला, यानी कि अगर मैं डॉटेड लाइन से इसको सर्कल को कंप्लीट कर दूं, तो ये जो पूरा डिस्टेंस होगा ये हमारे पास सर्कमफ्रेंस होगा, और सर्कमफ्रेंस का आधा जो होता है वो हमारे पास क्या होगा, पाई आर, और जो कि हमारे पास डिस्टेंस निकल आएगा, यानी कि डिस्टेंस इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आया स्टूडेंट्स, पाई आर, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस, ठीक। अब इस चीज़ को अगर मैं इसमें रेडियस की वैल्यू, क्योंकि
क्या हमें गिवन है स्टूडेंट्स, तो रेडियस की वैल्यू मैं इसमें पुट कर देती हूँ तो मेरे पास डिस्टेंस निकल आएगा। यहाँ मैं इसकी वैल्यू पुट करने जा रही हूँ, डिस्टेंस जो है हमारे पास पाई की वैल्यू जो होती है वो 3.14 होती है, और रेडियस क्योंकि हमें गिवन है और वो हमारे पास क्या है 318 मीटर्स। ठीक है, तो मेरे पास जो डिस्टेंस निकला है स्टूडेंट्स वो क्या आया है, इसको आप कैलकुलेटर की मदद से अगर आप निकालें तो आपके पास जो डिस्टेंस कवर्ड बाय द बॉडी आया है वो आपके पास 999 मीटर्स आया है। ठीक है, अच्छा अब अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये हमारे पास डिस्टेंस निकला है, अब हमने डिस्प्लेसमेंट निकालना है। अब डिस्प्लेसमेंट जो है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि हमारे पास शॉर्टेस्ट डायरेक्टेड डिस्टेंस होता है जो कि हमारे पास ये वाला डिस्टेंस होगा, यानी कि जैसे अगर मैं पर्पल कलर से शो करूँ, ये मेरे पास डिस्टेंस जो होगा ये वाला जो है ये डिस्प्लेसमेंट होगा हमारे पास, और यहाँ से यहाँ तक का जो ये डिस्टेंस होगा ये हमारे पास ये यहाँ से यहाँ तक का जो पाथ होगा ये हमारे पास डिस्टेंस निकलेगा। ठीक है, अब डिस्प्लेसमेंट जो मैंने निकाली है स्टूडेंट्स, तो आप देख सकते हैं कि ए से बी तक का जो अगर मैं डिस्टेंस निकालना चाहती हूँ तो मैं आर का स्क्वेयर कर दूंगी, सॉरी आर को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दूंगी, यानी कि ये और ये अगर हम एड अप कर दें तो हमारे पास ए से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा, यानी कि आर प्लस आर जो कि हमारे पास 2r के बराबर हो जाएगा, और 2 मल्टीप्लाई बाय 318 यानी कि रेडियस को अगर मैं उसके साथ 2 से मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास जो आंसर आता है स्टूडेंट्स वो आता है 636 मीटर्स। ठीक है, यानी कि ए से बी तक का डिस्टेंस, क्योंकि ये हमारे पास रेडियस है और रेडियस का अगर मैं डबल कर दूं तो मेरे पास ए से बी तक का डिस्टेंस आ जाएगा। सही, अब यहाँ हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों निकाली है, अब एट द एंड हम उसको वेलोसिटी और स्पीड के फॉर्मूला में पुट करेंगे और अपने रिजल्ट्स जो हैं वो फाइंड आउट कर लेंगे। अब देखें कि यहाँ मैं इसको पुट करने जा रही हूँ स्टूडेंट्स कि मेरे पास जो स्पीड है वो हमारे पास कैसे आएगी, डिस्टेंस जो है वो हमारे पास क्या है 999 डिवाइडेड बाय टाइम जो हमने निकाला था स्टूडेंट्स 90 सेकेंड्स। ठीक है, तो मेरे पास जो आंसर आता है वो आता है 11.1 मीटर्स पर सेकेंड, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे पास स्पीड और वेलोसिटी का जो फॉर्मूला होता है जो सॉरी यूनिट होता है वो हमारे पास सेम होता है, लेकिन सिर्फ उन दोनों में जो फर्क है वो ये है कि वेलोसिटी हमारे पास क्या है स्टूडेंट्स, हमारे पास एक वेक्टर क्वांटिटी है जबकि स्पीड हमारे पास एक स्केलर क्वांटिटी है। अब मैं वेलोसिटी के लिए निकालती हूँ तो वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम का होगा। ठीक है, उसका फॉर्मूला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टाइम है, तो डिस्प्लेसमेंट के लिए मैं ये वाली जो टर्म है वो ये वाली जो कैलकुलेशन हमने की है 636 डिवाइडेड बाय 90 ये पुट करूंगी और मेरे पास जो आंसर आ रहा है यानी कि 636 डिवाइडेड बाय 90 सेकंड्स इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आता है 7.07 मीटर्स पर सेकंड। ठीक है, तो ये इस तरह से हमने स्टूडेंट्स हमने डिस्टेंस और सॉरी स्पीड और जो है वेलोसिटी जो है वो हमने कैलकुलेट कर ली।